होमोलॉगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र। होमोलॉगस या समजात गुणसूत्र को देखो बेटा, हम लोग जो है बायोलॉजी में बिना इंग्लिश जाने जो है आगे हम लोग अध्ययन अच्छे से नहीं कर सकते, तो यहाँ हम लोग इंग्लिश लिखेंगे जरूर, लेकिन मैं बोल रहा हूँ हिंदी, उसको समझने का प्रयास करोगे सब लोग। होमोलॉगस या समजात गुणसूत्र, होमोलॉगस या समजात गुणसूत्र क्या मतलब है? जब एक ही जो है जोड़ी के दोनों गुणसूत्र क्या हों, एक ही जोड़ी के नंबर के, यानी मैंने तुम्हें बताया कि क्रोमोसोम कितने होते हैं, एक से लेकर 23 जोड़ी तक होते हैं, तो पहले जोड़ी का दोनों गुणसूत्र जो होंगे तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, होमोलॉगस या समजात गुणसूत्र। होमोलॉगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्र, यानी जब पर्टिकुलर एक से लेकर के 23वीं जोड़ी में, मान लो कि एक ही पहले जोड़ी को हो सकता है, दूसरी तीसरी या 23वीं, कोई भी, यानी एक ही जोड़ी का क्रोमोसोम हो, पहले नंबर का हो चाहे दूसरे नंबर का हो, तीसरे नंबर का हो, 22वें 23वें किसी नंबर का हो, तो जब एक ही जोड़ी के क्रोमोसोम आपस में एक साथ होंगे तो उन्हें क्या कहा जाएगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम। अगर के यहीं पर हम लोग मान लो ये पहली जोड़ी, पहला क्रोमोसोम हो गया जोड़ी में और ये किसका हो गया, पांचवें नंबर का, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम या असमजात गुणसूत्र। तो अगर के पर्टिकुलर या विशेष या एक ही जोड़े को क्रोमोसोम होंगे तो वो कहलाएंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम, और अलग अलग जोड़ी के, यानी हमने एक ले लिया पहली जोड़ी वाला ले लिया, एक पांचवी जोड़ी वाला, या दूसरा भी ले सकते हो, यानी कोई मान लो दूसरी दूसरे नंबर का क्रोमोसोम है और यहाँ पर क्या है, 22वें नंबर का जोड़ी को क्रोमोसोम। मैंने तुम लोगों को बता रखा है कि जो क्रोमोसोम है वो पहली दूसरी, यानी प्रत्येक क्रोमोसोम जो है क्या होते हैं मनुष्य में, पेयर में होते हैं, पहली दूसरी से लेकर के जो है कितने जोड़ी तक, 23 जोड़ी तक, तो मान लो जो है कि इन दोनों में से कोई भी जो है कि ले लिया, यानी पहले नंबर का हो गया या दूसरे किसी नंबर का हो गया, तब वो कहलाएगा नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ये हो गए होमोलॉगस, यानी होमोलॉगस का मतलब समजात गुणसूत्र, नॉन होमोलॉगस का मतलब असमजात गुणसूत्र। तो अगर एक ही जोड़ी के दोनों क्रोमोसोम है तो उसे कहेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम, और एक दूसरे जोड़ी वाले क्रोमोसोम है और दूसरे वाली जोड़ी वाला, तब उसे कहेंगे नॉन होमोलॉगस या असमजात गुणसूत्र। अब इसी में आगे भी समझ लेते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। देखो देखो होता क्या है कि जो ये क्रोमोसोम होते हैं, अब कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन के टाइम, सेल डिवीजन के टाइम इनका जो अमाउंट है, यानी क्रोमोसोम में डीएनए का जो अमाउंट है वो क्या होता है, बढ़ता है। ध्यान रहे, क्रोमोसोम में जो है डीएनए का अमाउंट बढ़ता है, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता है सेल डिवीजन के एस फेज के दौरान। तो एस फेज के दौरान होता क्या है, ये क्रोमोसोम जो होते हैं दो दो आर्म वाले, दो दो भुजा वाले होते हैं। तो अगर के एक ही जोड़ी के क्रोमोसोम की जो भुजाएँ हैं, यानी एक ही क्रोमोसोम नंबर वन की जो भुजाएं हैं, इसे कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स, यानी एक ही क्रोमोसोम की जो दोनों भुजाएं हैं या आर्म है वो आपस में क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। जबकि अगर मान लो एक भुजा इसकी ले लिया, एक भुजा इसकी ले लिया, तब इसे क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ध्यान समझो, सिस्टर क्रोमैटिड्स और सिस्टर क्रोमैटिड्स, यानी अगर एक ही क्रोमोसोम की जो दोनों आर्म या दोनों भुजाएं हैं
वो आपस में कहलाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, यानी एक ही क्रोमोसोम की दोनों भुजाएं कहलाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, जबकि दो एक ही जोड़ी के या दो अलग अलग जोड़ी के जो क्रोमोसोम की जो दोनों भुजाएं हैं अगर उनको अलग से हम समझें तो उन्हें क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये हो गया जो है कि कंसेप्ट नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का। इसी तरह यहाँ भी हम लोग है, अगर इसमें भी देखोगे तो इसको भी कहेंगे, क्योंकि पहली जोड़ी का क्रोमोसोम है, ये पांचवी जोड़ी का है, तो इनको भी क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। अगर यहाँ पहली जोड़ी का है, ये भी पहली जोड़ी का होता, तब उसे कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये हो गया सिस्टर क्रोमैटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब हम लोग इसी में बात करेंगे होमोजाइगस और हेटरोजाइगस की। होमोजाइगस यानी हिंदी में कहेंगे इसे समयुग्मजी, हेटरोजाइगस या विषमयुग्मजी। तो होमोजाइगस का मतलब तुम लोग को मैं एलील को बताया हूँ कि एलील को जो है अगर के जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या प्रस्तुत करते हैं, दोनों एलील अगर के समान हो, यानी मान लो कैपिटल ए है एक एलील, तो दूसरा एलील भी क्या हो, कैपिटल हो ए हो, या एक एलील कैपिटल स्मॉल ए हो तो दूसरा एलील भी क्या हो, स्मॉल ए हो, तो उसे क्या कहेंगे, होमोजाइगस या समयुग्मजी। यानी एक एलील के जब दोनों एलील समान हो तब वह कहलाएगा होमोजाइगस या कह सकते हो समयुग्मजी। तो कैपिटल ए स्मॉल हो सकता है स्मॉल ए, या कोई भी और अगर किसी कैरेक्टर के लिए है तो हो सकता है कैपिटल डी डी हो या स्मॉल डी डी हो या कैपिटल टी टी हो या स्मॉल टी टी हो, यानी कोई भी हो सकता है जो भी लेटर कैरेक्टर के लिए हम लोग लेटर लिए हों। तो एक जो है कि कह सकते दोनों एलील अगर समान हो तो वो कहलाएंगे होमोजाइगस या समयुग्मजी। हेटरोजाइगस का क्या मतलब है, जब जो है दोनों एलील समान ना हो, यानी एक अगर कैपिटल ए है तो दूसरा क्या हो, स्मॉल ए हो, या जो है एक कैपिटल ए है सुनी एक कैपिटल डी है तो दूसरा क्या है, स्मॉल डी हो, या एक कैपिटल टी है दूसरा स्मॉल टी है एक्सेट्रा। यानी कि जब दोनों एलील आपस में समान न हो तो वो क्या कहलाएगा, हेटरोजाइगस या विषमयुग्मजी। अब इसी में हम लोग और समझ लेते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव। उसके पहले जान लेते हैं कैरेक्टर या लक्षण, कैरेक्टर या लक्षण। इसी को हम लोग कह सकते हैं आनुवंशिक लक्षण भी कह सकते हैं, यानी वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं वह कहलाते हैं, या कह सकते हो जेनेटिक कैरेक्टर कह लो, आनुवंशिक लक्षण कह लो। जेनेटिक कैरेक्टर या आनुवंशिक लक्षण, जेनेटिक कैरेक्टर या आनुवंशिक लक्षण, यानी वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं उन्हें कहते हैं क्या, आनुवंशिक लक्षण। जैसे कह सकते हो हाइट ऑफ स्टेम यानी तने की लंबाई। जैसे मान लो मेंडल ने उपयोग किया था मटर के लिए, तने की लंबाई के लिए लंबा पौधा और बौना या छोटा पौधा, तो ये जो कैरेक्टर है यानी जो तने की लंबाई है वो क्या है, एक आनुवंशिक लक्षण है, क्योंकि यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। यानी हाइट ऑफ स्टेम या
तने की लंबाई, ये जो है इसके जो है दो अल्टरनेटिव फार्म होते हैं जिसे कहते हैं ट्राइट या विशेषक। यानी जो लंबाई है या तो जो है कि क्या हो सकता है, टाल हो सकता है या शार्ट या ड्वार्फ हो सकता है, शार्ट या ड्वार्फ हो सकता है। तो ये जो टाल और शार्ट है ये क्या है, ट्रैट है या विशेषक है। ये जो जेनेटिक क्राइटेरिया अनुवंशिक लक्षण है, तने की लंबाई या फली का जो है कलर यानी पीला है या हरा है, या बीज का आकार गोला है या झुर्रीदार है, उसी तरह जो है कि ये ट्रैट यानी जो उसमें ये ट्रैट कहलाएगा टाल या जो है कि शार्ट यानी शार्ट या ड्वार, ये कहलाएगा ट्रैट या विशेषक। तो ये हो गया जेनेटिक कैरेक्टर। यहाँ रहे जेनेटिक कैरेक्टर उसे ही कहेंगे जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, वही लक्षण ही आनुवंशिक लक्षण या जेनेटिक कैरेक्टर कहलाएंगे। तो हम लोगों ने जाना होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, जेनेटिक कैरेक्टर और ट्रैट। और आगे बाद में जानेंगे जो मेंडल ने लिए जो कैरेक्टर या ट्रैट लिए थे वो सात जो है कि कैरेक्टर या सात लक्षण लिए थे, उसको हम लोग आगे अभी जानेंगे। अभी जानते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट यानी कह सकते हो डोमिनेंट कैरेक्टर या प्रभावी लक्षण, और रिसेसिव कैरेक्टर या अप्रभावी लक्षण। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे जो है कि बार बार यूज होगा। डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब है वे कैरेक्टर या वे लक्षण जो होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस यानी कोई दोनों एरील कैपिटल ए है तब भी, या कैपिटल ए स्मॉल है किसी के लिए भी ले सकते हो। मान लो कैपिटल टी टी है लंबाई के लिए या कैपिटल टी स्मॉल टी है। यानी वे एलील जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों ही स्थितियों में अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं वो कहलाते हैं क्या, डोमिनेंट या प्रभावी लक्षण। यानी वे एलील जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, यानी जो कैपिटल ए हो तो इसको कहेंगे होमोजाइगस और कैपिटल स्मॉल है इसी तरह दोनों यहाँ भी, तो वो कहलाएंगे प्रभावी लक्षण। दूसरा क्या है, रिसेसिव लक्षण, वो लक्षण जो केवल रिसेसिव अवस्था में यानी जब दोनों स्मॉल ए हो, जैसे कैपिटल टी है तो दोनों स्मॉल क्या हो, टी टी हो, अगर कोई और भी है तो मान लो स्मॉल डी डी, देखो स्मॉल ए या एलील की बात कर रहे हैं, अब लक्षण जो किसका है वो बाद में बात करेंगे। तो स्मॉल ए हो या दोनों एलील स्मॉल टी टी हो या स्मॉल डी डी हो, तो जो केवल होमोजाइगस या समयुग्मजी अवस्था में ही अपना लक्षण प्रदर्शित करे वह कहलाएगा जो है रिसेसिव कैरेक्टर या अप्रभावी लक्षण या सुप्त लक्षण। ये बार बार आगे आएगा डोमिनेंट कैरेक्टर, याद रहे डोमिनेंट कैरेक्टर वाला जो एलील अगर एक भी एलील साथ आ गया, एक भी एलील रहेगा तब भी अपना लक्षण क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, जबकि रिसेसिव वाला जब दोनों एलील साथ होंगे तभी अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा। तो इसलिए जो डोमिनेंट है चाहे दोनों एलील जो है कैपिटल से प्रदर्शित किया जाए या एक ही कैपिटल वाला हो डोमिनेंट हो तब भी वो अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा, जबकि रिसेसिव अवस्था में क्या होगा, दोनों एलील जब साथ होंगे तभी वो अपना लक्षण क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा।